सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आपको जैसा कि पता है दिसंबर में एग्जाम है और जून में भी एग्जाम है, और आप लोग को प्रेरित करने के लिए मैं हमेशा अपने जो खास विशेष स्टूडेंट्स हैं मैं आपके सामने उनको लाता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज हम लाए हैं हमारी स्टूडेंट फ्रॉम असम, राइट जागृति? यस सर, शी इज फ्रॉम गुवाहाटी। असम, गुवाहाटी से हैं जागृति। और खास बात इनकी मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने पहली बार जब फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया था तो चार पेपर का एग्जाम दिया, चार चार पेपर होते हैं जैसा कि आपको बताएं, तो चार में से इन्होंने तीन सब्जेक्ट में एग्जम्पशन लाया था। और दीदी की शादी थी जिसके कारण ये दोनों ग्रुप नहीं दे पाई थी, हालांकि हमारी तैयारी दोनों ग्रुप की थी, राइट? यस ओके। उसके बाद इन्होंने जो बचे हुए पांच पेपर थे उनका एग्जाम दिया, और जो बचे हुए पांच पेपर थे उनका जब एग्जाम दिया तो ही मैं क्या बताऊं, और जहां तक मेरी जानकारी है शी इज ऑल इंडिया टॉपर इन ईबीसीएल, और वो भी सेल्फ स्टडी से। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, तो जागृति मेरे ख्याल से जो AIR 1 है उनका भी 78 नहीं है ईबीसीएल में, मैंने चेक किया था। यस तो सर, मेरे हिसाब से यस, आपका मतलब इवन आई एम नॉट श्योर, बट जितना मैंने AIR 1 का देखा था तो उनका भी, एंड आई थिंक वो भी सेल्फ स्टडी की स्टूडेंट है जो AIR 1 है। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि सेल्फ स्टडी करके बच्चे ला रहे हैं। और जागृति को, तो जागृति अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जागृति को कंपनी लॉ में शेयर कोड 73, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये भी मतलब बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए। जागृति, और अपना FMSM और CA में भी एग्जम्पशन होगा शायद, और टैक्स में भी एग्जम्पशन होगा शायद। टैक्स में एग्जेम्पशन था मेरा। CMA FM में 2 या 3 मार्क्स से ही एग्जेम्पशन रहा है, 56 57 मार्क्स से। That's really nice. तो अब जागृति, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट जागृति इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत मेहनत की है इन्होंने, और सबसे बड़ी चीज सेल्फ स्टडी करके EBCL जैसे, जिसको ग्रुप टू का सबसे लेंदी और सबसे वास्ट सब्जेक्ट और सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, और उसमें आप 78 लेके आए हैं, तो उसके बारे में भी स्ट्रेटजी बताएंगे, टाइम टेबल आपने कैसे सेट किया ये भी बच्चों को गाइड करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपके साथ भी ये चीज हुई थी, आपके मैसेजेस मेरे पास है, एग्जाम के पहले सब कुछ भूलता जा रहा है, टेंशन आ रहा है, तो इस चीज से ओवरकम कैसे किया आपने, पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होता था, ये सारी चीजें। जागृति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रैटेजी ये थी टू कवर द एंटायर ICSI सिलेबस। EBCL की आपकी जो नोट्स है वो मैंने कम्प्लीटली पढ़े हैं, मतलब उसमें एक पेज या हाफ पेज भी ऐसा नहीं है जो मैंने टच नहीं किया। आई डिड नॉट लीव एनीथिंग अनटच्ड। तो वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन जैसे चैप्टर्स जो ज़्यादा वेटेज के उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने होते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीडिंग्स करना। मतलब आई थिंक 4 रीडिंग्स किए थे मैंने EBCL के, क्योंकि रिटेन नहीं रहता था। मैंने आपको भी कई बार मैसेज किया था कि मेरे से याद नहीं, याद होने के बाद भी आई कांट रिमेम्बर द कंसेप्ट्स। वो एग्जाम के टाइम तक ऐसा फील होता है कि आपको कुछ याद नहीं है, जब तक पेपर लिखना स्टार्ट नहीं करे तब तक यही फील होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं है। तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल रीडिंग्स कर पाए जितना भी पॉसिबल रहे। सर, आप एक और चीज, आप हमेशा बोलते थे 10 11 आवर्स की पढ़ाई करो, उतना इम्पोर्टेंट है सर। बट फॉर मी पर्सनली आई कुड नॉट स्टडी फॉर दैट लॉन्ग। मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिव रह सकती थी तो 6 to 8 आवर्स, उसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती थी। और जिस मोमेंट मुझे फील होता था कि अब मेरे से और पढ़ाई नहीं हो रही, आई यूज टू लीव द रूम। मैं फैमिली के साथ बैठ जाती थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती थी। मतलब मैं स्मार्ट वर्क करती थी, आई नॉट एग्जैक्टली हार्ड वर्क, क्योंकि मेरे से नहीं होता था 10 आवर्स की पढ़ाई। सो पर्सनली, सो दैट्स वेरी बिजी इम्पोर्टेंट। है, और असम में तो काफी जगह है बाहर घूमने की, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, जहां पे जाओ वहां ग्रीनरी। हम लोग यस तो कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं जागृति अभी। जागृति, तो जैसा जागृति ने बताया सेल्फ स्टडी की, प्लस उन्होंने नोट्स रेफर की, एंड शी गॉट 78। जागृति, बेसिकली बच्चों को ना ये बहुत ज्यादा डर कहाँ पे लगता है मालूम है, ये फॉरेन वर्ड जहाँ पे आया ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी जगह ना बच्चों को बड़ा डर लगता है। तो ये सारे टॉपिक्स में, ये सारे टॉपिक्स आपने कैसे टैकल किए? तो ये सब पार्ट ए में आते हैं EBCL के। आपके नोट्स सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, मैं ये भी बोलूंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद आपने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ऐसे एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी समझ आए उसके बाद जो एग्जांपल पढ़ के तो सबको समझ आ ही जाता है।
मेरे और ख्याल पूरा स्टोर। यस एक सर, एक छोटा सा इंटरप्शन आपके ये बोलने के चक्कर में ना मेरा बिजनेस बहुत कम होने वाला है। सर होना भी चाहिए वो नोट्स, लेकिन वो आई मीन वो नोट्स इतने अच्छे हैं सर, मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब कोई चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके बाद, सफिशिएंट नोट्स है वो। तो मैं अगर एक बार वो नोट्स पढ़ती थी, कोई डाउट आता था तो आप ऐसे भी हेल्प कर ही देते थे, जरूरी नहीं था कि क्लासेस नहीं हो तो आप हेल्प नहीं करोगे, आपको कोई भी डाउट भेजने से आप तुरंत रिप्लाई कर ही देते थे। तो वो नोट्स एक बार मैंने रीडिंग करी, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं वो EBCL का जो ड्यूरेशन रहता था वो सेम टॉपिक को वापस पढ़ती थी, देन आफ्टर 4 रीडिंग्स आई वॉज देन कॉन्फिडेंट कि नहीं अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो मल्टीपल रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जागृति जैसे जैसे कि आपने कहा कि 11 घंटे आप नहीं पढ़ते थे और आप 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते थे। सो जैसे कि यस सर, मैं हमेशा बोलता हूँ 11 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप उसका 80% भी अचीव कर पाओ ना तो बहुत अच्छी चीज है। सो आप पढ़ाई कैसे करते थे? लाइक यू आर मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, नाइट राइजर बोलते जिसको अपन। सो इफेक्टिवली आप क्या थे? फिर पढ़ने के टाइम पे मोबाइल कहाँ पे रहता? जैसे मेरे स्टडी टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है, तो आपके पढ़ने के टाइम पे मोबाइल का क्या रोल रहता था, ये भी जरा बताएंगे। मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन थी। एग्जाम्स के आई थिंक 2 मंथ्स पहले से मैं 4 o'clock उठना स्टार्ट कर दिया था मैंने तो। और सर डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कम टाइम के लिए पढ़ती थी, लेकिन जितना भी पढ़ती थी एकदम लाइक नो डिस्ट्रैक्शंस, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, सोशल मीडिया सब बंद, तो फोन मेरा साइड में रहता था साइलेंट मोड पे। That's और really सर good. मैंने इंस्टाग्राम और अनइंस्टॉल कुछ भी नहीं किया था, मैं एक्टिव थी लेकिन ओनली उस टाइम पर जिस टाइम मैं पढ़ाई नहीं करती थी। Exactly. हाँ, तो मैं अगर 8 आवर्स हमेशा मैंने पढ़ाई करा है तो वो जी विदाउट जी फोन किया, बाकी टाइम मैं यूज करती थी, फोन्स भी यूज करती थी, फ्रेंड्स से बात भी करती थी। That's really great, जागृति। तो फिर जागृति जैसे पहले 4 बजे आप पढ़ने बैठते थे, सिटिंग आवर्स कितने होते थे? 4 से मतलब जो पहली सिटिंग होती थी वो कितना खींच देते थे? सुबह का सीटिंग आवर लंबा रहता था, ये आपने हमेशा बताया है, 3 आवर्स की तो रहती थी, 4 से 7 तो अच्छे से पढ़ाई होनी ही चाहिए। That's true. लर्निंग का पार्ट सुबह हो जाता है, रिविजन पार्ट दिन में करती थी मैं, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मैं शाम को करती थी, और थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स थे वो सुबह, 3 to 4 आवर्स का जो सीटिंग है वो एकदम पूरा प्योर थ्योरेटिकल पे जाता था। ओके, मतलब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लिया करती थी, मतलब एक जैसे कंपनी का ले यस लिया सर, और इवनिंग में आपने फॉर एग्जांपल FM ले लिया। सीएमए, तो ये भी यस जैसे कि मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे अभी लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी मैं बच्चों को बोलता हूँ, एक सब्जेक्ट एक दिन में लो। सो ये भी बच्चे कर चाहे तो कर सकते हैं। आप मॉर्निंग टाइम पे मॉर्निंग में आप मॉर्निंग 1st से लेके जो 4 बजे से लेके 12 बजे की सिटिंग है आप उसमें थियरी ले लीजिए, और शाम के टाइम पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जागृति ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है एंड शी हैज रियली स्कोर्ड वेल। अच्छा जागृति, फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है एग्जाम के टाइम पे? बहुत ज्यादा सर, खुद से ज्यादा आई थिंक फैमिली की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग एग्जाम्स। कभी अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी हो सर, एग्जाम देने के बाद बहुत बार ऐसा फील होता है कि क्या करे, आगे के पेपर्स कैसे हुए, कैसे दे नहीं दे, तब फैमिली एक ऐसी होती है जो आपको मोटिवेट करती है इट एवरी एस्पेक्ट। वो बता जैसे कोई भी पेपर देके आती थी ना, तो मेरी मम्मी मेरे से अगर पूछती थी कैसा हुआ एग्जाम, तो आई यूज टू गिव नो रिस्पॉन्स, मैं बोलती थी ठीक था, मतलब मेरे को खुश भी नहीं होना होता था और दुख भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता था मेरी तरफ से। तो शी यूज टू रियली अंडरस्टैंड दैट पार्ट, और वो मेरे को आके मोटिवेट करती थी, इट्स ओके, आज का जो पेपर था उसके बारे में भूल जाओ, अब कल के पेपर के बारे में सोचो। खुद सर जैसे मैं बोल रही हूँ, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली रहती है, ये सब फैमिली ही करती है, आपको तो सिर्फ आप एक मीडियम होते हो, एग्जैक्टली बाकी पढ़ाई के टाइम भी अगर 8 आवर्स आप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो वो फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। नहीं सकता एक्चुअली। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है घर पे, लाइक अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं मम्मी पापा के साथ बैठी हूँ, तो मेरे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, तब मेरे पास मोटिवेशन आएगा कि मैं आगे जाके और पढ़ाई करूँ। फैमिली बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जागृति, आपका कोई ऐसा विशेष दोस्त है कि नहीं जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के है और बॉय है, ऐसा कोई है कि नहीं? नहीं, फ्रेंड्स मेरे काफी है, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट भी बहुत रहते हैं पूरे ओके जर्नी में, काफी फ्रेंड्स है जो काफी हेल्प करते हैं। सर मैं संडेज को नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल जरूरत भी संडेज को मैं नहीं पढ़ती थी, तो मैं यूजुअली फ्रेंड्स के साथ बाहर ही चले जाती थी, तो वो उसमें। हाँ जी जी प्लीज बोलिए प्लीज बोलिए।
नहीं नहीं सर वही बोल रही थी मैं कि हाँ इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए, रिलैक्सिंग टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रेक्स लेने हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। वही मैं जैसे बच्चों को कहता हूँ कि आप मंडे टू सैटरडे अगर आपने बहुत तोड़ के पढ़ाई की है ना, तो आप संडे का एक ब्रेक मतलब अपना हक है यार। एक दिन आप नेटफ्लिक्स देखो, आपको जो करना है करो, बट अगेन मंडे से आप वापस से अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो, मतलब ये चीज है। अच्छा जागृति, कंपनी लॉ में 73, मतलब ये तो तोड़ है, मतलब नेक्स्ट लेवल का काम है। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे पढ़ाई की, और क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की? कंपनी लॉ का शायद आपने क्लास ली थी, आई थिंक आपने कंपनी लॉ कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास ली थी जागृति हमसे? कंपनी लॉ के लिए थी, ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए थी, टैक्स के लिए थी। ओके, तो यस कंपनी लॉ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी बेटा? सर एक एक ये अनयूजुअल पॉइंट है, आपकी जो नोट्स आते हैं ना सर, उसमें फ्रंट कवर पे दो जन की पिक्चर्स थी हाँ जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। फर्स्ट कंपनी लॉ में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था 85, वो पिक्चर थी, और ईबीसीएल में आया था 78, उनकी पिक्चर थी। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो आई ऑलवेज यूज टू ड्रीम, लिटरली ड्रीम कि वो मेरे भी वो मार्क्स आए। जी 78 जो मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आए ना सर ईबीसीएल में, वो मेरे विजुअलाइजेशन के वजह से आया, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि 78 इतने अमेजिंग मार्क्स है, मुझे भी चाहिए ईबीसीएल में। तो वो बहुत हेल्प किया, वो मोटिवेशन रहता था। कभी अगर वो बंद कर देते थे कि और पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो जो मार्क्स दिखते थे ना सर ऊपर, आपकी कोई AIR के मार्क्स आए थे वो 78, ऑल इंडिया हाईएस्ट, वो इतना मोटिवेशन मिलता था वो देखकर कि मन करता था कि नहीं एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं। अभी लॉ की पांचों तो बुक में आपकी फोटो रहेगी, तो मेरे हिसाब से मैं जरूर उसका कवर काफी पेज आपके साथ शेयर करूंगा। वो तो क्या अभी क्या हो गया जागृति, अभी हम थोड़ा सा बच्चों को बहुत इफेक्टिव रेट पे नोट्स देते हैं, इसलिए हम मोस्टली येलो पेज पे भेजते हैं, प्लेन पेज पे भेजते हैं। बट उस कलर्ड कॉपी जब भी हम फीस अभी बढ़ाएंगे, कलर्ड पेज पे जब भी हम नोट्स भेजेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिजाइन तो रेडी है, आपको दिखाऊंगा कि आपकी फोटो वहां पे रहेगी, सॉरी थैंक यू सो मच, आपकी फोटो वहां पे रहेगी बेटा। मीन्स अ लॉट। अच्छा जागृति, और अच्छा एक और चीज मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, पांच चीजें मैं दिवांशु से ही मैंने पूछा था, तीन चीजें जो स्टूडेंट को हमेशा करनी चाहिए अगर उसको सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, और दो चीजें जो स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर उन्हें एग्जाम क्लियर करना है, तीन डूज एंड थ्री डोंट्स, तो आपकी ये राय क्या होगी बेटा? फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग क्लासेस डूज के लिए। ओके, तो सर पहले हम लोग पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है टू मेंटेन अ डेकोरम ड्यूरिंग क्लासेस। एग्जैक्टली फेस टू फेस नहीं रहता है, देयर इज नोबडी हू इज कीपिंग एन आई ऑन अस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर देख रहे हो तब यू हैव टू पुट ऑन फुल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सर इट्स वेरी फ्रैंक कि बहुत बार होता है कि और लेक्चर्स नहीं देखना है, मन नहीं कर रहा, कि आफ्टर अ लिमिट, आफ्टर यू हैव वॉच 8 आवर, 8 लेक्चर्स अ डे, 8 आवर्स के लेक्चर्स, उसके बाद मन नहीं करता कि आप और लेक्चर देखो, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन रखना बहुत जरूरी है क्लासेस के टाइम। सेकेंड, आप हमेशा बोलते थे कि क्लास के बाद रीडिंग करो, तो वो आई थिंक मैं ज्यादा रीडिंग नहीं करती थी, एक लेक्चर के लिए आई थिंक 15 मिनट्स का टाइम अलॉट करती थी जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी उसी पर्टिकुलर डे में। एक ओवरव्यू ले लेती थी आपने जो जो पढ़ाया है, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कॉन्सिस्टेंसी। जब एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं ना, तो मेरे साथ ऐसे बहुत मोमेंट्स हुए थे जब मेरे को लगा था कि मुझे और पढ़ाई नहीं करनी, या मेरे को याद भी नहीं रह रहा, क्या फायदा इतना पढ़ने का। तब कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कीप दैट मोटिवेशन इन योर सेल्फ कि पढ़ना पड़ेगा। ये लास्ट के 2 मंथ्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी के। उस टाइम अगर पढ़ाई हो गई तब क्लियर हो जाएगा, उस टाइम पढ़ाई नहीं हुई तब प्रॉब्लम है। तो वो लास्ट के टाइम खुद के अंदर विल रहना, मोटिवेशन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस उस पोजीशन पे चलते रहे। ये 3 डूज थे। डोंट्स ज्यादा लोगों से बात मत करो। डिटैच सो विदाउट, यस यस, क्योंकि ज्यादा लोगों से बात करने से, अगर इफ यू गेट टू नो कि उनकी ये पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, या वो बोलेंगे आपको, बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जो डीमोटिवेट करेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना, मैं ऑप्ट आउट कर रही हूँ, तुम भी ऑप्ट आउट कर लो सर। सीरियसली ये इसलिए उस लोगों से यू हैव टू मेंटेन अ वेरी स्मॉल सर्कल जिनसे आप बात करते हो, एंड तो डोंट टॉक टू मेनी पीपल एग्जाम्स के टाइम। और एक और पॉइंट, फोन, सोशल मीडिया
को लिमिटेड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक वंस यू आर डन विद योर टारगेट यू कुड लाइक यूज योर फोन बट कंप्लीटिंग योर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर मैं जैसे ना शाम को 6 बजे के बाद ही सोशल मीडिया यूज करती थी सेल्फ स्टडी के टाइम. उसके पहले आई डिड नॉट यूज टू यूज माय इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कुछ भी नहीं यूज करती थी. उसके पहले अगर मैं टारगेट अचीव हो गया तो मैं आराम से यूज कर सकती हूँ फोन. दैट्स ग्रेट. सो जागृति जो आपने कहा है अगर उसको मैं 5 पॉइंट्स अगर मैं सम अप करूं द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है और मेरे ख्याल से इसमें आपने दोनों पॉइंट बोल दिए. कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. ये बेसिकली इस चीज को रखना. सो फर्स्ट हैव अ फुल कंसंट्रेशन. सेकंड इज रीडिंग लाइक एज सून एज योर क्लास गेट्स ओवर आपको वो दिन भर का रिवाइज करना है. ठीक है. सो कंसंट्रेशन एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी मतलब आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा तीसरे दिन वापस से पढ़ गया चौथे दिन पार्टी में चले गया छठवें दिन नाना जी ने बुला लिया. सो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी. ये चीज करनी. तो 3 चीजें हो गई आपकी कंसिस्टेंसी कॉन्सेंट्रेशन रीडिंग एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है. उसके बाद जो आपने कही 2 डोंट्स की आप बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर जागृति जैसा रिजल्ट चाहिए. मेरे ख्याल से टोटल 8 में से 5 सब्जेक्ट में यू हैव एन एग्जेम्पशन आई बिलीव. यस सर. और जो 3 सब्जेक्ट में नहीं रहा वो भी 2-3 मार्क्स ही गया है. तो दैट्स नाइस. अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में लिए होते तो यू वुड हैव लाइक ऑल इंडिया स्कोरर. ठीक है. बट जागृति सेल्फ स्टडी से ईबीसीएल में 78 स्कोर करने का सौभाग्य नहीं मिलता एंड यू हैव डन दैट. दैट्स रियली अगर आप पुणे में होते तो शायद यू वुड हैव बीन अवार्डेड विद सम ग्रेट थिंग. तो बट वी आर वेटिंग फॉर यू. मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपकी मनपसंद कंपनी में मैं आपकी आर्टिकलशिप के लिए पूरा प्रयास करूंगा. ये मेरा प्रॉमिस है आपसे एंड दिस इज रिकॉर्डिंग दिस इज ऑन यूट्यूब. ठीक है. तो आप अगर मुझे अपना रिज्यूमे भेजेंगी सर मैंने फाइनल क्लियर कर लिया है तो आप मुझे इस वीडियो का लिंक भी भेज सकती हैं. ठीक है ना. उसके बाद जागृति तो 2 डोंट्स जो आपने बताए एक है डिटैच योरसेल्फ एंड डिटैच योरसेल्फ डज नॉट मीन कि यू हैव टू कंप्लीटली डिटैच. आप अपना टारगेट पूरा कीजिए उसके बाद जो करना कीजिए. और दूसरा आपने कहा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब फोन से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. लाइक अगेन वहां पे आपने यही कहा कि आप पहले अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए और बाकी की चीजें कंप्लीट कीजिए. एम आई करेक्ट बेटा? Yes, sir. 100%. Okay. अब actually मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि परसों मुझे एक मोबाइल पे मैसेज आता है कि यू नो दुष्यंत सर मैं जून में एग्जाम नहीं दे रहा हूँ सॉरी दिसंबर में एग्जाम नहीं दे रहा हूँ. ही इज माई स्टूडेंट ऑनली. मैंने पूछा क्यों नहीं दे रहे हो तो बोले सर मुझे ना पीलिया हो गया और पीलिया हो गया था मतलब पीलिया भी ठीक हो गया उसका हेपेटाइटिस आई थिंक और जॉन्डिस सॉरी एंड वो ठीक हो गया सर तो मैं इस बार ऑप्ट आउट कर रहा हूँ तो सर मैं क्या करूँ. तो मैंने उसको एक चीज बोली बेटा एक काम कर अभी तो ऑप्ट आउट कर ले और जून में जब एग्जाम होगा और दिस पर्सन हैज ऑलरेडी ऑप्टेड आउट फ्रॉम जून का एग्जाम ऑलरेडी नहीं दिया वहां सर उसका कुछ तो हो गया था फिर दिसंबर में पीलिया हो गया. बट ठीक है अगर आपको पीलिया एटलीस्ट आप जा सकते हो ट्राई कर सकते हो यार इतनी वीकनेस तो नहीं होगी कि आपका हाथ नहीं चलेगा और पीलिया से ही हैज रिकवर्ड. ठीक है. उसके बाद अब वो जून मैंने उसको फिर रिप्लाई किया कि बेटा जून में तेरे किसी रिश्तेदार को कुछ हो जाएगा तो वहां पे ऑप्ट आउट कर लेना. उसके बाद दिसंबर 2022 में फिर से कुछ होगा ऑप्ट आउट कर लेना और ये सारी चीजें करते करते आपकी पढ़ाई की जो एज है वो चली जाएगी. उसके बाद आप फिर सोचोगे कि नहीं यार अब वापस से रीस्टार्ट करते हैं अब इस बार एकदम सीरियसली एग्जाम देना है फिर से कुछ हो जाएगा. सो बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर ना जागृति आजकल क्या हो गया एक चीटिंग का माइंडसेट आ गया मतलब और सबके साथ नहीं बट कुछ बच्चों के साथ लाइक दे हैव एंटर्ड इनटू अ कंफर्ट जोन. वो एक ना कंफर्ट जोन में चले गए हैं. सो इस चीज के बारे में जागृति लाइक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने उसको सही गाइड किया या गलत गाइड किया मतलब क्योंकि मुझे समवेयर मैं बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माइंड को एक बार आपने सिखा दिया जागृति कि अपन चीट कर सकते हैं तो अपन चीट करते हैं. और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ जागृति क्योंकि मैंने लाइक आपने भी मुझे मैसेज किया था कि सर घर पे शादी है तो क्या करना चाहिए. मैंने आपको बोला कि बेटा आप एग्जाम दे दो जो होगा देखेंगे. आपने एग्जाम दिया आपको 4 सब्जेक्ट में से यू गॉट एग्जम्पशन इन 3 सब्जेक्ट जागृति. और सबसे अच्छी चीज क्या है गुरु के लिए सबसे गर्व का पल क्या होता है कि जब बच्चे उसकी बात मानते हैं. सो जागृति इसमें आपका व्हाट वुड योर रिप्लाई बी मतलब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, बाकी सब सेकेंडरी होते हैं. यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आपने अगर एक बार टारगेट बना लिया है कि आपको एक कोई लेवल पे एग्जाम देना है तो एक गो फॉर इट. सर ऑप्ट आउट की फैसिलिटी तो अभी है ड्यू टू कोविड. नॉर्मल में तो आई डोंट थिंक ICSI की ये फैसिलिटी थी कि आप एग्जाम के पहले ऑप्ट आउट कर सको. तो अगर सर आपने जैसे मेरे को बोला था कि एक मॉड्यूल का दे दो अटेम्प्ट, तो उस टाइम मुझे भी फील हुआ था कि मैं मेरे AIR के चांसेस हट जाएंगे. लेकिन आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन आई मेड, क्योंकि वो जो 3 सब्जेक्ट्स के मेरे एग्जेम्पशन थे उसके वजह से नेक्स्ट 5 में मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि सिंस मेरे को 3 में एग्जेम्पशन आया बाकी में भी आ जाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक बार जो सोच लिया वो आप कर लो. और सर ये फीलिंग तो मेरे पास भी थी कि रिटेनिंग नहीं है, कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा एग्जाम के पहले तक. लेकिन जब तक पेपर लिख कर बाहर नहीं आ जाते एग्जाम हॉल के, यही फील होता है कि कुछ भी याद नहीं. लेकिन इफ यू हैव स्टडीड इट 4-5 बार तो वो रहेगा ही कोई ना कोई कॉर्नर में आपके माइंड में. वो अभी नहीं पता रहता कि कहाँ पर है, बट इट स्टेज इन योर माइंड. तो बस वही मैं आपके माध्यम से जागृति और मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ना क्विट नहीं करने का, लाइक आपको ना ट्राई करने का. लाइक जागृति मैन आई यूज टू लाइक जब मैं अपने करियर के एकदम पीक पे था, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी आई वॉज डूइंग दी बेस्ट. लाइक मेरा ग्रोथ बहुत अच्छे से चालू हुआ था इन द ईयर 2014. सो सब कुछ बढ़िया था, बट मेरा वेट ना उस समय 87 का हो गया था, 87 kg. आई यूज्ड टू बी वेरी फैट. एंड देन फर्स्ट डे देन आई थॉट कि यार मैं जिम जाऊं. और मैं जिम गया ना जागृति, तो फर्स्ट डे एवरीवन लाफ्ड ऑन मी. आपको मतलब आज मैं भी ऐसे ही करता हूँ लोगों के साथ, जो लोग फर्स्ट डे जिम आते हैं और ऐसे 100-100 किलो के होते हैं, तो हम उनके ऊपर हंसते हैं कि यार कितनी घटिया लाइफस्टाइल इसने अभी तक जी है अपनी जिंदगी में. सो एवरीडे एवरीवन लाफ्ड, एवरीवन मतलब बहुत गंदे से उन्होंने मजाक उड़ाया मेरा. और बहुत महंगी जिम थी, आई थिंक 30-40 हज़ार रुपए मैंने साल के उस समय भरे थे 2013-14 में. सो मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिन लोगों की हंसी के चलते जिम नहीं जा सकती तो शायद मैं, मतलब अभी भी मुझे बहुत अच्छा शेप लाना है इन टर्म्स ऑफ फिजिक, बट स्टिल मैं आज, उस समय मैं 87 वे करता था, आज मैं 70 kg का हूँ. मतलब मैंने 17 किलो रिड्यूस किया. और उस समय मैं डायबिटीज के मुहाने पे था, डॉक्टर ने बोला था कि भाई तू प्री डायबिटिक का एक स्टेज होता है तो उस पे आ चुका है. बट अभी मैं डायबिटीज चेक कराता हूँ या शुगर चेक कराता हूँ तो इट्स 90. मतलब इट्स लाइक मुझे और शुगर कंज्यूम. तो वही मैं बच्चों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, इनफैक्ट आपने भी सेम चीज कही कि क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन. पीपल लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है आपके अंदर से हिम्मत जाए, बट आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए. Yes, sir. So, जागृति बहुत 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 अच्छा लगा हमको आपके साथ इंटरव्यू करके. और जागृति अभी हमारी फाइनल में भी लाइक वी आर गाइडिंग हर, वी आर विथ हर. और निकाल से अगले साल शायद 25 फरवरी सॉरी जून में एग्जाम होगा, 25 अगस्त के बाद विल मेक अ वीडियो अगेन शो कास्टिंग जागृति एंड वी विल बी टॉकिंग. No, I am very sure how she has cleared her CS professional and I think मैं CS professional के बाद interview नहीं लगाऊंगा लूंगा आपका, जब आपका articleship चालू हो जाएगा मुंबई या पुणे या किसी like या फिर कोलकाता, like we can work for ITC also, ITC में भी हम आपकी articles का try कर सकते हैं. So I think कोलकाता would be very convenient for you. Sir, any place in India would be convenient for me अगर वो मेरे लिए अच्छा position हो तो, अच्छी company में. Company will choose a very nice company. My promise. और मौका हुआ तो मैं भी आपके साथ interview के लिए जाऊंगा. Don't be worried. तो बस मैं, yes मैं अब इस interview को खत्म करूंगा. और जागृति आपके मम्मी पापा को भी मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको भी बधाई दीजिएगा. And no, I'm sure कि we are working for professional also. Very good. We'll be working. Thank you so much. Thank you, sir.